नुपुर शर्मा के खिलाफ अरब देशों का हल्ला बोल। अब इन और देशों ने किया नुपुर शर्मा का विरोध। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों पर कई अरब देशों के आपत्ति जताने के बाद अब मालदीव, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। मालदीव ने कहा, मालदीव की सरकार बिना शर्त ऐसी किसी भी कार्रवाई की निंदा करती है जो इस्लाम की वास्तविक प्रकृति और शिक्षा को बिगाड़ने और पवित्र पैगंबर मोहम्मद को नीचा दिखाने का प्रयास करती है। इस संबंध में मालदीव की सरकार भारत में बीजेपी के कुछ अधिकारियों द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से काफी चिंतित है। उन्होंने कहा, मालदीव की सरकार भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा करने और उन अधिकारियों के खिलाफ बीजेपी द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का स्वागत करती है। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि वो कड़े शब्दों में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा करते हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दो भारतीय नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में जकार्ता में मौजूद भारतीय राजदूत को बुलाकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। भारत में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नुपुर शर्मा का कड़ा विरोध किया, लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खासकर अरब देशों ने नुपुर शर्मा की इस बयान का जबरदस्त विरोध किया और मोदी के सत्ताधारी पार्टी की एक नेता की तरफ से ऐसे बयानबाजी का गल्फ में जबरदस्त रिएक्शन हुआ और वहां काफी सारे स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। वहां बाकायदा ये स्टिकर्स लगा दिए गए कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले भारत के देश से ये आने वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पर नहीं बेचा जाएगा। यानी भारत के बाजार पर भी कड़ी चोट की गई। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं गल्फ कंट्रियों के, उन्होंने भी ऑफिशियली इस बात को कंडेम किया, बयान जारी किया और भारत सरकार से माफी मांगने की मांग की। उन देशों में मौजूद भारतीय राजदूतों को बुलाकर उन्हें समन किया गया और आपत्ति जताई गई कि किस तरह से भारत की सत्ताधारी पार्टी की नेता पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की बातें कर सकती है। जिसके बाद जो दबाव हुआ उससे बैकफुट पर आई बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। और बीजेपी ने तो ये भी कह दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और भारत में सभी धर्मों को आस्था के साथ पालन करने की आजादी है। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद राजदूतों ने कहा कि ये हरकत भारत सरकार की ऑफिशियल नीति को नहीं दिखाती, बल्कि ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने इस तरह की बातें कही हैं, उपद्रवी लोगों के ऐसे बयान हैं जिसका भारत की सरकार का कोई ऑफिशियल इसको नहीं माना जाए। इसको देखते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत में जो विद्रोह था, जो आवाज थी, वो और बुलंद हो गई। तमाम थानों में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। मुंबई पुलिस ने समन करने वाली है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि उन्हें गिरफ्तार कब किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।